हेलो फ्रेंड, संजीत स्पेशल मेन्यू में आपका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च पनीर की लाजवाब टेस्टी सब्जी। मैंने पनीर 500 ग्राम ली हूँ, जिसे स्क्वायर शेप में काट ली मोटे साइज में, और एक दो दो शिमला मिर्च मैंने स्क्वायर शेप में काट लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धो ली हूँ। एक बड़े साइज का प्याज ली हूँ, जिसे मैंने स्क्वायर शेप में काट कर धो लिए हूँ। फ़ौरन के लिए मैंने एक चम्मच जीरा, दो लौंग, दो हरी इलायची, एक बड़ी इलायची ली हूँ। मसाले में एक बड़े चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़े चम्मच काली मिर्च पाउडर, दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार, गरम मसाला एक छोटे चम्मच, हल्दी एक चम्मच, लाल मिर्च एक बड़े चम्मच और एक छोटे चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली हूँ। मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कढ़ाई मेरी अच्छी तरह से गर्म हो रही है। अब हम इसमें दो चम्मच तेल डालेंगे। इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। और ये प्याज डाल देंगे। इसे दो मिनट भूनना है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना, बस दो मिनट ही उन्हें भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मेरे प्याज और शिमला मिर्च भून रहे हैं, बस इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसी स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे। इसमें हम दो चम्मच और तेल डालेंगे और पनीर को तलेंगे। पनीर से ज़्यादा नहीं तलना है, हल्का लाल होने तक तलना है। ज़्यादा तलने से पनीर टाइट हो जाती है, इसलिए हम हल्का ही तलेंगे। पनीर हमारी तल गई है, बस हम इसी स्टेज पर पनीर को निकाल लेंगे और दूसरे पनीर भी, सारे पनीर इसी तरह से तल लेंगे। दो चम्मच पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। मैंने चार मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट बना ली हूँ, चार मीडियम साइज के टमाटर की पेस्ट बनाई, दो चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट और थोड़ी सी धनिया पत्ता। मसाले मेरी अच्छी तरह से भून गई है। अब यहाँ हम लहसुन और प्याज की पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मसाले मेरे अच्छी तरह से भून रहे हैं। इसी स्टेज पर हम कसूरी मेथी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद मैं टमाटर की पेस्ट डाल दूंगी और इन्हें अच्छी तरह से मिलाते हुए दो मिनट पकाऊंगी। मसाले अच्छी तरह से भून रहे हैं। अब हम यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज डाल के अच्छी तरह से मिलाएंगे और इन्हें भी एक मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी पनीर नहीं डालेंगे। मसाले और सब्जी अच्छी तरह से भून गई है। अब हम पनीर डालेंगे। और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। सब्जी को मैंने पनीर को अच्छे से मिला ली मसाले में। अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और इन्हें दो से तीन मिनट मीडियम आंच पर हट कर पकाएंगे। मेरी टेस्टी लाजवाब सब्जी बनकर तैयार हो रही है। अब मैं थोड़ी धनिया पत्ता डालती हूँ। गैस बंद कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूले। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में डालना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।